इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवाओं में जाना हुआ आसान। अनुष्का एकेडमी के साथ हिरण मगरी सेक्टर 3 उदयपुर। आरपीएससी पेपर लीक मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को पुलिस सुबह उदयपुर लेकर पहुंच गई। कड़े पुलिस सुरक्षा पहरे के बीच भूपेंद्र को हाथीपोल थाने लाया गया। पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि भूपेंद्र सारण को न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा। इसके बाद मामले में उससे विस्तार से पूछताछ भी की जाएगी। एसपी शर्मा ने कहा कि भूपेंद्र के पकड़ में आने के साथ ही पेपर कहां से लीक हुआ इसके बारे में पुख्ता जानकारी मिल पाएगी, साथ ही उसे फरार चल रहे आरोपी सुरेश ढाका के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। हालांकि ढाका की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही है। भूपेंद्र सारण को यहाँ पे लाया गया है उदयपुर में और उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड उनका लिया जाएगा और इस घटना के बारे में और अन्य भी घटनाएं अगर कोई हैं तो उनके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है भूपेंद्र सारण, वो व्यक्ति है कि पेपर कहाँ से आया है वो उसका पता लगेगा। किस तरह की तैयारी उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेके है और रिमांड कितने दिन के लिए जा सकता है? अभी हम इस पर अभी जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ है उस पर काम कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि जो पेपर कहाँ से लीक हुआ था, कहाँ से पूरी चेन की शुरुआत हुई है, उस पूरे घटनाक्रम को और चेन को हम एक्सपोज करें। ये जो पूर्व में जो गिरफ्तार हुए थे उनको फिर से रिमांड पे प्रोडक्शन वारंट पे लेके और पूछताछ की जाएगी आमने सामने किस तरह की? देखिए, जो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के तहत जो जो भी कार्रवाई संभव होगी डेफिनेटली वो हम करेंगे और जो जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं उनसे हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को की पुलिस कस्टडी पूरी हो चुकी है तो उनको हम दोबारा रिमांड पे नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो जो भी लोग हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हम जरूर पूछताछ करेंगे। कहां कहां सर फरार हुआ, कहां गया? अभी पूछताछ की करके ही मैं आगे कुछ बात आपके सामने कह पाऊँगा। नहीं, प्राथमिक तौर पर भी कोई बातचीत मेरे लेवल पर भी नहीं हुई, नीचे लेवल पर भी नहीं हुई, ट्रैवलिंग टाइम और उसको देखते हुए और कोर्ट में पेश करने के बाद इसका आगे कार्रवाई की जाएगी। सुरेश ढाका के लिए भी महत्वपूर्ण, इनसे उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और हमारी टीम्स उस पर एक्टिवली काम कर भी रही हैं अभी।